आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई है और ये शहर के टिकरा पारा इलाके में मिले हैं। गहरे इतने ज्यादा तादाद में हैं कि थानेदार की मेज ही भर गई। पुलिस ने इसकी खबर आयकर विभाग को भी दे दी है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि इसका वजन 12 किलो 800 ग्राम है। इसकी बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक ये गोल्ड रायपुर के एक कारोबारी का है। फिलहाल कारोबारी के नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन उसके कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। बस स्टैंड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये सोना पकड़ा। इतनी ज्यादा संख्या में जेवरात के पैकेट से देख तुरंत इसे थाने लाया गया और इनका इनकम टैक्स को जानकारी दी गई। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, लिहाजा प्रशासन भी इस पूरी कार्यवाही को मॉनिटर कर रहा है। डीजे पे बड़ा स्पष्ट नियम सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो किसी भी सीजन हो, चुनाव हो या ना हो, कि 10 बजे के बाद डीजे जो है प्रतिबंधित है। और उसके बाद हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, विशेषकर ऐसे डीजे जिससे साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, निर्धारित मात्रा से ज़्यादा डेसिबल का साउंड निकलता है, उस पर कार्रवाइयाँ त्यौहार के सीजन में भी अभी की गई थी और आगे भी की जाएगी। एक चीज़ जो चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता के द्वारा दौरान होती है कि रायपुर दक्षिण का क्षेत्र जहां आचार संहिता प्रभावी होगी, वहां अगर आप साउंड सिस्टम का प्रयोग करते हैं जिसमें डीजे भी शामिल है और उसके अलावा भी, तो आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति बड़ा सामान्य, आपको एक आवेदन देना पड़ता है जिसमें आप प्रयोजन बताते हैं और अनुमति दी जाती है। अगर वो राजनीतिक प्रयोजन से लिया जाता है तो उसको विशेष मॉनिटरिंग जो इलेक्शन के हिसाब से होती है, बाकी धार्मिक सामाजिक आयोजनों की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। तो डीजे पे जो 10 बजे के बाद प्रतिबंध यथावत है, लेकिन बस जो चीज़ बदली है वो कि कोई भी साउंड सिस्टम अगर यूज़ होता है, वो भी सिर्फ रायपुर दक्षिण के क्षेत्र में, तो वहाँ उसकी अनुमति ज़रूर ली जाए।